हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का द वॉइस बिहाइंड की एक और वीडियो में। और यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फास्टेस्ट की हिंदी डबिंग कास्ट के बारे में, क्योंकि यार ये मूवी तो हम सबने लगभग देख ही ली है, लेकिन हम में से कितने को बताएगी किस वॉइस आर्टिस्ट ने किस कैरेक्टर पर अपनी आवाज का जादू चलाया था। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इस पूरी फ्रेंचाइजी के हीरो डोमिनिक टोरेंटो से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फैमिली। और यार हमारे इस फैमिली मैन को इस मूवी में हिंदी में डब किया है उदय सुबनिस जी ने। आप किसी चीज से नहीं डरते, पर मुझे लगता है मुझे डर है किसी अपने को खोने का, तो सीट बेल्ट अच्छे से बांध लेना। वो पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे लिए आ रहा है। अबे तुम लोग कमेंट में बताओ कि पहले वाली जो आवाज थी डोमिनिक टोरेंटो की वो ज्यादा अच्छी थी या ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा, बहुत गालियां पड़ती है बाद में। और तुम इस वॉइस आर्टिस्ट को नहीं जानते तो ये वही है जिन्होंने पुष्पा के विलन को हिंदी में डब किया था। तो यार अब बात करते हैं इस फैमिली के दूसरे सबसे जरूरी मेंबर की, जो कि अपने डोम भैया की वाइफ लेटी की, जिसे इस मूवी में हिंदी में डब किया है वॉइस आर्टिस्ट अरण्या कौर जी ने। शायद हम में से कोई एक वापस न लौटे, पर हमें लड़ना होगा। अब यार इन दोनों की बात की तो चलो बात कर रहे हैं इन दोनों के बेटे यानी लिटिल बी। और तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि लिटिल बी को हिंदी में जिसने डब किया है वो कोई मेल वॉइस नहीं है, इसे डब किया एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट ने, और उस वॉइस आर्टिस्ट को तुम बचपन से सुनते आ रहे हो और उनका नाम है सोनल कौशल जी। और तुम अभी भी नहीं जानते ये कौन है तो मैं बता दूं, ये डोरेमोन की ऑफिशियल हिंदी वॉइस है पहले सीजन से लेकर जब तक तुमने देखा था। तो चलो यार अब फाइनली बात करते हैं इस मूवी के विलन दांते की। और यार जेसन मोमोआ दांते क्या कमाल का काम किया है, और इसी काम को हिंदी में चार चांद लगा है इस कैरेक्टर के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी आवाज देकर इस कैरेक्टर को हिंदी में जिंदा किया था। और उस वॉइस आर्टिस्ट का नाम है सप्तऋषि घोष, जिनको आपने फास्ट एक्स में अस दांते सुना है। तो सुनिए जरा उनकी एक और आवाज। डॉम टोरेटो, अगर तुमने वो ना किया होता जो किया, तो मैं वो इंसान ना बनता जो आज हूं, और अब मैं तुम्हारे परिवार को तोड़। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डोम भैया की फैमिली की हिंदी आवाज है, जिसमें से रोमन की हिंदी आवाज बने हैं वॉइस आर्टिस्ट आदित्य राज शर्मा। अपुन जिधर भी जाता है उधर चमक जाए। अब यार रोमन के बाद बारी है तेज की, जिसकी हिंदी आवाज बने हैं मनोज पांडे सर। हम अंदर अटक गए, ये एक चाल है, एक बॉम्ब है। और यार डोम भैया की फैमिली में एक ब्रिलियंट हैकर भी है जिसका नाम है रेमसी, जिसे इस मूवी में हिंदी में डब किया है तोशी सिन्हा जी ने। हमें चाहिए होगी हथियार, गाड़ियां। तो यार फाइनली बारी डोम भैया की इस फैमिली के मेरे सबसे फेवरेट मेंबर यानी हान की, जिसकी हिंदी आवाज बने द वन एंड ओनली मेरे फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट संकेत महात्रे सर। जानते हो अब तक पहुंच जाते अगर रोमन सोने का शोरूम साथ लेकर नहीं आ। तो यार अब बारी इस फैमिली के सबसे बेडास कैरेक्टर यानी शो की, लेकिन बेडली इस मूवी में इसका एक कैमियो ही था, और इसकी हिंदी आवाज बने थे शरद खेलकर सर। कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने, तेरे बारे में मेरा ख्याल उससे भी बदतर है। तो यार फाइनली बारी डोमिनिक टोरेंटो के भाई जेकब टोरेटो की, जिसे इस मूवी में प्ले किया WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने, और इसे हिंदी में डब किया है पवन कालरा सर ने। तो गाइज ये थी द फास्ट एक्स की हिंदी डबिंग कास्ट। और यार कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से किस किस को पहले से जानते थे, क्योंकि अपने चैनल के पीछे यही तो मकसद अपने को वॉइस आर्टिस्ट को फेमस करना है। तो चलो यार इस वीडियो को यही एंड कर मारते हैं और तैयारी करते हैं अगली वीडियो की, तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो।